दारू ना दारू ना जेल भी करा लो, खुलेआम भी करा, फाल की तरह पुलिस डर गया। वो आवेदन देख के डिप्टी सीएम भड़क गए। बिहार में कई सालों से शराबबंदी, अगर शराब की सूचना देते हैं तो आपकी पिटाई होगी, आपको जेल होगा। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अगर कोई आम लोग अगर शराब की सूचना देता है तो उसकी पिटाई भी हो जाती है और उसे थाने में बंद भी किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सहयोग कार्यक्रम में पहुंचा है मुख्यमंत्री रेणु देवी के जनता दरबार में। इसमें शराब है का? ना, इसमें झोली है। हरे नाम कीर्तन हाँ। श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार हम करते हैं। अच्छा। अमित कुमार, ग्राम प्लस पोस्ट सलालपुर, थाना दनियावा, जिला पटना का निवासी हूँ। इस शराब के मामले में बोलता हूँ, हंसी आ रहा है कि आप भी को लग रहा है कि शराब बाबा बेच रहे हैं। तो ये सही बात है, वही कहना सही है, क्योंकि माथा पर फाल की तरह शराब बिक रहा है। सलालपुर में दनियावा थाना पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको मालूम है कि पटना जिला में 13 का SSSP है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या हुआ था आपके साथ? मैं सहयोग कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवेदन था, वो आवेदन देख के डिप्टी सीएम भड़क गए। कहते बार बार सर आप पकड़वाइएगा, आप पिटाइएगा, आप बार बार आते हैं। तो ये मेरा मुद्दा नहीं, आप आते हैं, आप नीतीश कुमार के पास जाइए, आज चैम्बर से बाहर निकाल देंगे। नीतीश कुमार जी, यही आवेदन है। हाँ, यही आवेदन दिखा दो। आवेदन बोले कि नीतीश कुमार के पास जाइए। नीतीश कुमार के लिए आवेदन है? हाँ, नीतीश कुमार के पास है। तो हम बोले भाई कि उप मुख्यमंत्री वहाँ तो काम करेंगे, लेकिन आवेदन देख के भड़क गया, हमको चेहरा देख के भड़क गया कि बाबा बार बार पिटा के बाद देखिए सर पर चोट के निशान है। चोट वहीं से लगा? हाँ हाँ, शराब माफी पिटा। कैसे पिटा? उठा उठा के पटका है, लाठी से पिटा है। मतलब कितना आदमी था? कम से कम 20 को था। आप अकेले थे? अकेले थे। कैसे शराब बेच रहा था? शराब मैंने खुलेआम माथा फाल की तरह बेच रहा था। क्या बोल रहा था? शराब ले लो। तो हम वीडियो भी बना लें। शराब बेचते हो? हाँ, वीडियो बना लें। हम इसको आप बताया था क्या हुआ? पुलिस आया, 4 को पुलिस आया, आए को दरोगा जी आए, तो वो आए शराब बताए, लेकिन उनको भी समझ आया कि बाबा अकेले हैं, हम 4 को हैं। तो वो बल देखा जाए, देख के डर से थाना भाग गया, बोला कि पूरा थाना फोर्स लेके आवेंगे, आप जाइए। अच्छा, तो बोरा में लेके सर पे बेच रहा? हाँ, बोरा में माथा चिल्ला रहा था। कैसे चिल्ला चिल्ला? फाल की तरह, जैसे 5 रुपये दर्जन फाल है, उसी तरह 10 रुपये पौआ शराब ले लो, इस तरह से चिल्ला रहा था। कितना बार बोला ये? कम से कम 10 बार बोल रहा था, चिल्ला चिल्ला के। सूचना दिया था आपको? पिटाई हुआ, हम वीडियो बना लें, जान पर खेल के वीडियो बना लें, आप देख सकते हैं। अब गए मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास, तो क्या बोला गया? वो तो हमको देख के चेहरे देख के भड़क गया है, ये पत्र देख पाएगी नीतीश कुमार का मामला। आइए, आप भी जानते हैं कि 2016 में जब महिलाओं के हित में बात हुआ था, तो आरजेडी की सरकार था, JDU की सरकार था, BJP बाहर था। तो आज देखिए कि दो का डिप्टी सीएम है, डबल इंजन की सरकार है। अब बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जी पुतला की तरह खड़ी हैं, कोई उनको चारा नहीं है, लेकिन प्रयास वो कर रहे हैं। 13 को SSP के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता। आज आपको भगा दिया गया? भगा दिया गया, ये पत्र देख के, नीतीश कुमार का पत्र देख के भड़क गई। भड़क गई। क्या बोली, किस तरह से बोली, बताइए जरा? कि बाबा तू बार बार पीटे। कैसे गए? हम तो पहले तो आवेदन लेके बैठे कुर्सी पर, आराम से बैठे, फिर आवेदन दिए, तो फिर एक वहाँ उनको पिए थे, तो बोले बाबा फिर पहुँच गया। तो हम कहे देखिए, हम डिप्टी सीएम से नहीं मिले हैं, पहली बार मिलने आए हैं। तो वो बोले कि ठीक है, मिलिए बैठिए। तो ये पत्र हम दिए, तो फिर वो पिए बोले कि बाबा फिर तो आप आ गए हैं। तो किन से मिले? हम के आलोक रंजन कल्याण युवा मंत्री, तारकिशोर बाबू डिप्टी सीएम, उनसे मुलाकात। रेणु देव जो महिलाओं के हित में ये बेचारी मदद करेंगे, लेकिन ये पत्र दे के ही भड़क गया। अच्छा। हम BJP के खुद कार्यकर्ता हैं, भड़क गए। झोला लेके इसमें दारू ना दारू रहता, जेल भी करा दबा। इसमें हरि नाम कीर्तन देखिए, माला है, देखिए पूरा माला का जाप। हाँ, माला का जाप करते हैं, भागवत गीता का हम प्रचार करते हैं। आपके गांव में खुलेआम शराब? खुलेआम बिक रहा, फाल की तरह। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस डर गया। इनके गांव दनियावा है और दनियावा में फल की तरह शराब बिका जा रहा है, और इनकी जो मांग है कि गांव में जो शराब बिक रही थी वो 10 रुपये 20 रुपये पाउच ले लो का करके पॉलीथीन में बेचा जा रहा था। और जब इसका विरोध इन्होंने किया तो उल्टा उस शराब माफिया ने पुलिस को बुलवा कर इनके सड़ फुड़वा दिए, इनको पीटा गया बुरी तरह के। जब ये
जनता दरबार और सहयोग कार्यक्रम में पहुंची तो आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा इन्हें बाहर कर दिया गया और कहा गया कि जाइए, ये मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री के पास लेके जाइए। लेकिन बिहार में दो दो डिप्टी सीएम हैं और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है कई सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम शराब बिक रहे हैं, इसका दावा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से फल की तरह शराब बिकता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से फल की तरह सर पर रख कर शराब बेचते हुए नज़र आए। इनके पास जो वीडियो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और आप खुद समझ जाएंगे कि बिहार में शराब बंदी नहीं, शराब महंगी हुई है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश जी।